एलजीपी का एक हुआ था उसको भी तिरंगा नसीब नहीं हुआ। मोदी कराते वार्ड सैनिक सही थोड़ी होंगे, कौन कांग्रेस है की बैट वाली काट के ले जाते थे मुंडी, पाकिस्तान वाले ले जाते थे बॉर्डर सिक्योरिटी वाले। संबंध खत्म कर दिया हमने, वो इंडिया ने खत्म करा। हाँ तो करा है ना, तो उन्हें लाना बस की नहीं है। अभी जीडीपी अच्छी है हमारे देश की कोरोना काल में। क्या लगता है 2024 में चाचा, क्या लगता है 24 में मोदी जी आएंगे? मोदी जी देखिए कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो पहले देखिए मेरी बात, कोई फैसला नहीं कर सकता, जनता का फैसला एक आदमी थोड़ी करा देगा, एक आदमी थोड़ी फैसला कर देगा। ये लोग पहले 100 सीट से ऊपर नहीं आ रही। क्या लगता है मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे आपको लगता है? अच्छे काम कर रहे हैं वो। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? सारे काम अच्छे, तुमको पता है क्या अच्छा काम? जीडीपी अच्छा है। पांच काम गिना दीजिए, पांच काम गिनवा दीजिए और तो सब कुछ। जीडीपी अच्छी है अभी हमारे देश की, अभी जीडीपी अच्छी है हमारे देश की कोरोना काल में, विदेश नीति अच्छी है। देखो आज के टाइम में फकर से इंडियन विदेशों में जाके उनसे सिर करके चलते हैं मोदी जी की वजह से, एक नहीं मोदी जी को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर जानते हैं पूरे विदेश वाले, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, एक नहीं कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा है मोदी जी से हो ना। देखिए चाचा दंगे नहीं हो रहे हैं, हर महीने जवाब होते थे पहले मोदी जी वाले लेवल पे कामगार नहीं पाए, लेके आओ उनको, हमारे 8 सैनिक हैं वहाँ पे उनको सजाए मोदी जी। भाई साहब एक मिनट, कतर से चुना लो, कतर से जो 8 सैनिक है उसको पहले मोदी जी निपट ले। उसकी भी कार्रवाई चल रही है, उसमें हो रही है, उसमें भी काम चल रहा है, उसमें भी काम चल रहा है। यही तो कांग्रेसियों का यही हाल है, हमारे सिलेंडर मतलब तोड़ दिया रिश्ते से, कतर से जो गैस आ रही थी हमारे पास उसका भी संबंध खत्म कर दिया हमने, वो इंडिया ने खत्म करा है। हाँ तो करा है ना, तो उन्हें लाना बस की नहीं है, इससे खत्म कर दो। आपको नहीं पता है कि हमारे देश लाने पाएगा ना, मौत का सजा दिया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन अनुशासन पे क्षमा किया जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रिंस होता है, लेकिन वहाँ पे सऊदी अरबिया ने इंटरफेरेंस करा है और उनको अभी सजा नहीं दिया गया। हम राजा होता नहीं होता, अब हम प्रिंस बोले तो क्या बोले, तो आपने यही है तो ये नहीं। और जो हमारे जयशंकर साहब है विदेश मंत्री, उन्होंने इंटरफेरेंस किया है, इंटरफेयर किया है, उनको बचाया जाएगा। और मोदी कह रहे वार्ड सैनिक सही थोड़ी होंगे, कौन कांग्रेस है की बैट वाली काट के ले जाते थे मुंडी, पाकिस्तान वाले ले जाते थे बॉर्डर सिक्योरिटी वाले। चलिए चाचा क्या है जवाब, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के शासन में 9 साल में उन्होंने कहा 9 साल में इनके पास 9 काम बताने के लिए है यार। टेररिस्ट अटैक कम हो गया, टेररिस्ट अटैक जो होता था वो खत्म हो गया यार, अभी आतंकवाद हमारे 4 सैनिक मरे थे, देश के प्रधानमंत्री को इतना तो हुआ नहीं उनके नाम पे, एक अफसोस कर ले, एक ट्वीट जारी कर दे, देश के प्रधानमंत्री रैली में जा सकते हैं, दूसरे के जा सकते हैं, हमारे 4 सैनिक अभी शहीद हुए थे अभी महीने 15 दिन पहले, राजस्थान के 4 सैनिक अग्निवीर वाले, बोलिए नाम, अग्निवीर वाले हुए थे। हाँ हुए थे, जो 40 अग्निवीर वाले नहीं जो अधिकारी थे, 4 थे। हाँ कहाँ के तुम, किस डिपार्टमेंट, कश्मीर में, कश्मीर में पीएसएफ सीआरएफ कौन वाले थे आप, गलत अनिवीर वाले एक हुआ था, एक हुआ था अनिवीर वाले एक हुआ था, उसको भी तिरंगा नसीब नहीं हुआ, ये देश में पहली बार हुआ है। गलत चीजें नहीं, अनिवीर का एक हुआ था उसको भी तिरंगा नसीब नहीं हुआ, ये देश में पहली दफे हुआ है क्या, अग्निवीर वाला जमान नहीं था, अग्निवीर की भर्ती क्यों करी आपने, तिरंगा दिया गया, सॉर्ट ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था, ये गलत बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि तिरंगा नसीब नहीं हुआ है, तिरंगा कफन के साथ आया था, लेकिन उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है वहाँ पे मिस्टेक हुआ और अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। उसके बाद राजनाथ सिंह का ट्वीट भी था कि गलत था, बहुत देशों में बीजेपी के नेता का ट्वीट था कि ये किया जाना चाहिए था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया था। अग्निवीर के जवान जो 19 वर्षीय जो राजस्थान के अग्निवीर जवान का जो शहादत हुई है, तो पहले जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, लेकिन अब तो वो भी खत्म कर दिया गया है। लगातार जो है विपक्ष इस पे आवाज उठा रहा है कि अब जो शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। सुनिए शहीद का राजस्थान के पंजाब का हुआ था, पहले पंजाब वाले बता रहा हूँ, जो प्राइवेट एम्बुलेंस लाया गया था, प्राइवेट एम्बुलेंस लाया गया, उसको कोई अधिकारी नहीं, और सबसे बड़ा सोच इस देश के अंदर पहली बार अग्निवीर में आपने भर्ती की, पहली बार तो सेना का मनोबल घटाया, 4 साल की वो कर दी, 4 साल बाद वो कुछ भी करे, 4 साल की कोई नौकरी नहीं होती, सेना का जवान हमारे हमारे बड़े बूढ़ों ने सेना के जवानों को बच्चों को इसलिए नहीं भेजा, 4 साल वो आके
कारोबार से खाली बैठ जाएंगे। क्या लगता है आप, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? सरकार को बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भाई यार चुप जाओ यार, पढ़े लिखे नौजवान भटक रहे हैं, इसलिए सरकार को बदलनी चाहिए। और ये सरकार तनाशाही की सरकार है। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी के शासन में देश विश्वगुरु बनते जा रहा है। कुछ नहीं है सरकार, जो बस हिंदू मुस्लिम करने की बात है, हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है, और कुछ नहीं है ये सरकार। बताओ जहाँ पे हिंदू मुस्लिम किया गया बीजेपी के शासनकाल में 2014 के बाद, कितने जगह बताएगा, बताओ एक जगह बता रहा। हरियाणा में क्या हुआ था, मेवात वाली घटना, हाँ क्या हुआ, क्या एक मिनट पहले जमनाबाद में क्या हुआ था, जमनाबाद में क्या हुआ था बताऊंगा, आप रिकॉर्ड को बताए, रिकॉर्ड मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ, सुनने वाले नहीं, सुनिए आपने बोला मेवात वाला घटना, मेवात में क्या हुआ था, वहाँ पे जो शिव भक्त लोग थे कंवरिया ले जाते, उनके ऊपर पत्थर डाला गया, पत्थर से पीटा गया था, पत्थर फेंका गया था, तो वो प्रतिक्रिया दी है, तो आपको हिंदू मुसलमान कैसा लगा, आप हम हमको मारे, हाँ कैसा नहीं लगा, जब तुम वीडियो जारी करके कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, एक ने कही तो सारे भरेंगे क्या, किसने कही, सरकार ने क्यों नहीं रोका, सरकार किसकी है, सरकार क्यों, सरकार ने वहाँ पत्थर क्यों फेंके, कहीं नहीं फेंके गए, क्या लगता है इस वक्त 2024 में महंगाई पे क्या मुद्दा होगा जनता का, क्या लगता है महंगाई इतना बढ़ता जा रहा है, आसमान छू रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है जो भी चीज है, लेकिन हमें बताइए कि रोजगार का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होता है, जानकारी क्या, इतने एक्सप्रेसवे बनाए गए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उससे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एशिया का बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाया गया सैमसंग का, तो उसमें आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको सरकारी नौकरी को ही आप रोजगार बोलिएगा, और देश के पास सिर्फ ये रोजगार और महंगाई वाला मुद्दा, तो अंकुश होना चाहिए, लगाम लगना चाहिए, हाँ थोड़ा सा अंकुश होना चाहिए, और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है चाचा, क्या भैया क्या लगता है 2024 में कांग्रेस क्या लग रहा है 2024 में, कांग्रेस आएगा, कांग्रेस कहाँ से ये सब आपको डाटा मिला, डाटा कह रहे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी ने कांग्रेस से आएगा, ये पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा है वो अलग बात है, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कांग्रेस से आएगा राहुल गांधी, 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है, मोदी ने तो योगी है, मोदी ये कांग्रेस से आएगा, राहुल गांधी आएगा, क्यों लगता है, देखने में लग रहा है हर चीज का महंगाई बढ़ते हुए जा रहा है, और यहाँ पे कोई कारोबार का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है, क्या करें बताओ, कहाँ महंगाई है, महंगा रहे महंगाई, कुछ नहीं महंगाई है, महंगाई है, प्याज बढ़ता हुआ जा रहा है, हर कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे आज क्या क्या कर रहा है, कोई कमाई धंधा नहीं है, आज सबके पॉकेट में 20-20 हजार का मोबाइल है, सबके पॉकेट में 20-20 हजार का मोबाइल, आप कह रहे हैं महंगाई, आप कह रहे हो किसी के जेब में तो करोड़ों रुपए का मोबाइल है, हमारी जेब में 1 रुपए का भुटी कोड़ी भी नहीं है, इस टाइम और बोलो हमारी जेब में, आप तो कह रहे मोबाइल 20-20 हजार की है, हमारी जेब में तो 50 हजार की भी नहीं है, 10 हजार की भी नहीं है मोबाइल, और आपके अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कहाँ, राहुल गांधी आएगा अच्छे दिन आ जाएगा सबकी, आपके अच्छे दिन आएगा भैया, अच्छे दिन है, अच्छे दिन है, बढ़िया है, ना करने रुपया है, ना करने वाले को ये 15 लाख रुपया है आपके, काम की मार नहीं चाहिए, गट्टे से इस्लाम अच्छी है, मोदी जी ने कहा था ना, मोदी अमित शाह ने कहा था 15-15 लाख जो कह रहे हैं, हमारा तो नहीं चाहिए।